मेरी दुनिया दे विच मेरे हीरोज़ दा स्वागत। इहदे विच असीं एक दूजे नाल गल्लां करिया करांगे, क्योंकि मैं समझदा कि हर एक इंसान दे अंदर होर इंसान बहुत ज़्यादा बैठे आ। उहदे अंदर एक आशक बैठा, उहदे अंदर एक भरा हो सकदा, उहदे अंदर एक फादर हो सकदा, उहदे अंदर एक किसी का मित्र हो सकदा, उहदे अंदर किसी का दुश्मन हो सकदा, उहदे अंदर एक आर्टिस्ट हो सकदा। एक इंसान दे अंदर होर आर्टिस्ट बहुत हुंदे आ। सो अज तक तुसी मेरे अंदर जिहड़ा आर्टिस्ट आ, जिहड़ा संगीत नूं प्यार करदा, जिहड़ा गीत गाउंदा, अज तक तुसी उहनूं ही मिले आ। सो जदों आपां एक दूजे नाल गल्लां करांगे तां मेरियां जिहड़ियां होर तहां ने मेरे जीवन दीआं, मेरा जीवन की आ, कमल हीर दा असली जीवन की आ, मैं चाहुंदा कि मेरे फैन, मेरे हीरोज़ उह वी उह जीवन भी जानण। उह तां ही पता चलूगा कि बात करने से बात बढ़ती है, रोज़ बातें किया करो हमसे, साथ देख लेते हैं पर्दों में यूं ना पर्दा किया करो हमसे। जदों असीं एक दूजे नाल गल्लां करांगे तां होर एक दूजे नूं जाणांगे, जिहड़ा कि जरूरी आ एक मित्रता दे लई, एक प्यार दे लई, एक सांझ दे लई। तुसीं हर एक इंसान दा हर एक पक्ष वेखो। सो हुण मैं तुहाडे नाल इहदे विच रोज़ गल्लां करिया करनियां। इस फुल नूं डैफडल कहिंदे आ इंग्लिश दे विच, डैफडल। ते एक इंग्लिश दा पोएट होया विलियम वर्ड्सवर्थ, मेरा फेवरेट पोएट आ। ते तुसीं उहदी जरूर पोम पढ़िओ, पोम दा कविता दा ना ही डैफडल्स आ, इहनां ते पोम उहने लिखी आ। मेरे यार्ड च सारे च लगे सी पर बाकी सुक गया, सिर्फ एक रह गया। एंड दैन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफडल्स, कहिंदा मेरा इन्ना मन खुशी नाल भर जांदा जां भर गया उहनां नूं देख के डैफडल्स नूं, कि मेरा दिल करे मैं इहनां दे नाल नच्चां। इन्ना इन्नी सोहणी चीज़ आ फुल, एंड आई लव दम। अज मैं इतने खाण आया कैक्टस क्लब, एक कैनेडा का रेस्टोरेंट आ, बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट आ। तो मैनू ना अपने अंकल की, अपने मामे की गल याद आ गई, वो इंग्लैंड गए 50 साल पहला, तो वो कहें कि मैनू अंग्रेजी ना आती, तो मैं पता ना लगे जिस वेले सू कम तो ब्रेक होनी, तो असं एक बार से जाना, उ पता ना लगना जाके की पीना, कहना फिर मैंने एक बंद ने दसिया तू कह दिया कर सेम प्लीज़, क्या जिस वेले कहीं बीयर ऑर्डर कर ले, मैं कह दा कि सेम प्लीज़। उ चीज़ मैंने आ जानी, रोज़ ही नवी ड्रिंक बन जानी, फिर जिहड़ा भी बंदे ने खाना ऑर्डर करना कहना सेम प्लीज़। सो सेम प्लीज़ के नाल की होया कि सारे इंग्लैंड के कहता खाने खा लै, तो एक साल के सू थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आ गई। सो अज मैं इदा लगा कि मैं इतने आके हम जो ऑर्डर करना तो मैं कह सेम प्लीज़, जिहड़ा तुसीं ऑर्डर करना हम कहना सेम थिंग। दैट्स फनी, एंड ऑफ स्टोरी। फ्राइज, वेजिटेरियन रेवियोली, ते एक मॉकटेल ड्रिंक, ते मैं यही खाना बहुत ही बारी, एंड आई लव इट। सो मैं एक चीज़ लई सी, ना मसाज करना होंगी है जिम के, एक्सरसाइज कितने भी घर रख सकते हो, तुम एक्सरसाइज करके ये फिर मैं इतना घूमना सारी बॉडी में मसाज करनी। तो जो हूँ मैं लैके आया तो मैं चेता नहीं रहा, तो मैं दो तीन पहले ही लिया के रखे हुआ। Anyways, they hold me return karna ya, and this is the receipt, so I'm going to the store to return it. Par maine ek gall yaad aayi ke shugal di ke baape ta na pote ne apniya tickets book kara liyan kithe jaan diyan plane diyan, te phir unna ne jaana nahi saka, te oh ticket return karan layi chal gaya, te jehda pota saka na angrezi de vich goreyan na jis vele gall kare te apni story dassi jave, this is what happened, you know, we're not going, if there's any way, मैं किदा इन वापस कर सकदा। तो उन्होंने समझ ना मोहरे जेड़ा बैठा काउंटर ते, उन्होंने समझ ही ना आवे कि कहिंदा की है। तो बुढ़ा तंग आ गया, तो बुढ़े ने अंग्रेजी भी नहीं आती, कहिंदा मैं आपे ही दस दिना उन्होंने, तो गोरे वालू टिकट करके कहिंदा, कहिंदा टिकट बैक मनी बैक, गोरे ने टिकट फड़ी तो उन्होंने पैसे वापस दे दते। कई बार जी सिंपल चीज़ होंगी आ वो ज़्यादा कम कर जाती है, औखी चीज़ ना। सो अंग्रेजी कहूँ सीखनी है। इंडिया तो मैनू आए नू हले दो तीन दिन, तीन क दिन मेरा ख्याल होए आ, क्योंकि मैं होंगकोंग चला गया सगा पहला पंजाब तो, ते फिर होंगकोंग तो कनेडा आया, ते आई एम इन वैंकूवर राइट नाउ। पर प्रॉब्लम ये आ कि द जेट लैग्स रियली किकिंग इन नाउ, ते मैनू दिन नू नींद लग पैंदी आ, क्योंकि साडा टाइम पुट्ठा हो जांदा ना, ते अज दिन नू नींद आ जांदी आ, फिर थोड़ा चल बंदा सौं भी जांदा। पर हुण अज सारा दिन मैं टीवी देखिया ते कॉफ़ी पीती, ते हुण टाइम किन्ना हो गया, लुक एट मी, आई एम स्टिल इन माई रोब।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕਫਲਰੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਕਫਲਰੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਚੱਲਿਆ। You gotta pay, you have money? ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ? You have money? No, let's see. Is it less than $5? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਪਰਫੈਕਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਓ ਜੀ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਰੂਟ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਓ ਪੜਾਓ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਟਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚਿਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ।